सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज़ आयुष एंड आज अपने साथ में है टोयोटा हाइलक्स 2023 मॉडल। ये कम्प्लीटली कस्टमाइज है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगाई गई है जो कंपनी के साथ में आती नहीं है और आप लोग लगवा सकते हो। और ये अब इतनी ज़्यादा कैपेबल हो गई है कि मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस हाइलक्स जो है वो ये है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, इंटीरियर में क्या चेंज है, एक्सटीरियर में क्या कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, आज इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंडिंग तक ज़रूर से देखना, और साथ ही ये कस्टमाइज़ किसने करी है, और अगर आप लोगों को भी अपनी गाड़ी कस्टमाइज़ करवाना है लाइक 4x4 तो मैं नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सारी डिटेल्स आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से, और जो भी कस्टमाइज़ लाइक इसके अंदर करा हुआ है उन सबकी प्राइस भी ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। वो एग्जैक्ट प्राइस नहीं होने वाली है, बट उसके आसपास आप लोगों को रफ फिगर जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो हेडलैम्प है वो स्टॉक मिलते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो बम्पर है वो कम्प्लीटली नया लगा हुआ है। ग्रिल जो है वो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली चेंज की गई है, टोयोटा यहाँ पर लिखा हुआ है। हाइलक्स में जो ग्रिल आती है वो अलग आती है, उसके अंदर आप लोगों को लाइट्स वगैरह नहीं मिलती है, यहाँ पर ये लाइट्स जो है वो मिलती है, वर्किंग लाइट्स। उसके बाद में यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइट्स जो है वो लगाई गई, अराउंड 60,000 रुपीज़ की ये लाइट्स पड़ती हैं आपको। और ये जो बम्पर है ये तीन पैर में आते हैं, लाइक फ्रंट बम्पर, साइड में स्टेप्स और पीछे वाला बम्पर, वो अपन आगे चल के देखने वाले हैं। मोटा मोटा 3-3.5 लाख रुपये के आसपास जो है वो ये कॉस्ट करते हैं, और ये वन ऑफ द लाइटेस्ट बम्पर है जो हाइलक्स के लिए अवेलेबल है, इम्पोर्ट करते हैं, और इनका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी मजबूत है और जो वेट है वो भी काफ़ी कम है, लाइक 30-40 किलो के ही ये जो बम्पर है वो रहते हैं। तो जिससे बॉडी में ज़्यादा बड़ा कुछ डायमेंशन वाइज जो है वो डिफरेंस नहीं आता, पावर लॉस वगैरह जो है वो नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो टोइंग हुक आप देख रहे हैं ये आगे और पीछे 4 हुक आपको मिलते हैं लगभग, ये भी आपको 30,000 रुपये के आसपास जो है वो ये कॉस्ट करते हैं। और नीचे आप जो ये किट देख रहे हैं जो अंडर बॉडी किट है, 3 प्लेट इसके अंदर लगी और वो 15,000 रुपये के आसपास जो है वो पड़ती है। तो ये आप लोगों ने देखा आगे से, और वर्किंग स्नूकल जो है वो लगाया गया है इसके अंदर, आई एम सॉरी। तो ये वर्किंग स्नूकल है और ये डायरेक्टली इंजन से कनेक्टेड है, काफ़ी खूबसूरत लुक जो है वो ये देता है गाड़ी को, लाइक अगर आप दूर से देखेंगे काफ़ी खूबसूरत ये लगती है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं वो प्लेस की गई है, ऊपर जो लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये लगाई गई, और ये सारी वर्किंग है, लाइक आप जब की से लॉक या अनलॉक करते हैं तो देख सकते हो लाइक सारी लाइट्स जो हैं वो वर्किंग है। जैसे ये वाली लाइट वर्क कर रही है, उसके बाद में वो ऊपर वाली लाइट वर्क कर रही है, यहाँ पर मिरर के पास में ये लाइट्स वर्क कर रही है, तो सारी चीज़ें जो है वो आपके सेंट्रल लॉकिंग से कनेक्ट भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लगा दिया आपने तो ये अंदर से बटन चालू करोगे तो ही काम करेगी, सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। उसके बाद में साइड में ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं ये अलग से लगाया गया है। जो मेन चेंज है, जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो है ये इसके व्हील्स, जो व्हील्स हैं और जो टायर्स हैं, 285 सेक्शन का ये टायर है, 18 इंचेस के ही हैं और पहले भी 18 इंचेस के ही आते हैं, बट 265 प्रोफाइल के टायर जो है वो लगते हैं। ये जो चारों टायर हैं व्हील्स के साथ में आप लोगों को लगभग 4.5-5 लाख रुपए के आसपास मोटा मोटा जो है वो पड़ने वाले हैं, बट इससे जो लुक आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो टायर है जिसकी प्रोफाइल बड़ी है तो इससे थोड़ा सा कम्फर्ट जो है वो गाड़ी का बढ़ जाएगा, ऑफ रोडिंग जो है वो आप और ज़्यादा बेटर जो है वो कर पाएंगे। उसके बाद में जो सबसे बड़ा चेंज है वो यहाँ पर लिफ्ट किट लगा है 2 इंच वाला, इसमें आपके पास में ऑप्शन आते हैं 4 इंच और 6 इंच के भी लिफ्ट किट जो है वो आप लगवा सकते हो। इसके अंदर सस्पेंशन में भी चेंज हुआ है 2 इंच की लिफ्ट किट के अंदर, पीछे ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं होता है। और 1.5 लाख रुपये के आसपास का पड़ता है आप लोगों को ये 2 इंच का लिफ्ट किट, जिससे ग्राउंड क्लियरेंस डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाता है और साथ ही थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में हो जाता है और चलाने में राइड जो है वो बेटर होती है। अगर 4 इंच के आप लगवाओगे या 6 इंच के लगवाओगे तो चारों सस्पेंशन जो है वो भी चेंज होंगे और वो 4-5 लाख रुपए के आपको पड़ते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसे चेंज करवा सकते हैं। अब साइड में आप देखेंगे तो ये जो स्टेपर है ये कंप्लीट मेटल का है, और अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करने जाते हैं तो ये टूटेगा नहीं, काफ़ी स्टडी है, इसके ऊपर आप आराम से खड़े हो सकते हैं, कूद सकते हैं, जो करना है जितना टॉर्चर करना है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो ग्लास आप देख रहे हो ना, ये मिरर, ये टेलीस्कोपिक मिरर है, मतलब ये खाली मिरर ही 1.5 लाख रुपए का है, तो इतना महंगा मिरर आपने शायद ही किसी गाड़ी में देखा होगा। इसको मैं बाहर खींचता हूँ, अब ये देखना कितना बाहर है, ठीक है, ये देखो ये बाहर आया, तो दोनों हाथ से जो इसको बाहर खींचना पड़ता है और ये टेलीस्कोपिक मिरर है, इतना ज़्यादा बाहर आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिरर लगे हुए हैं, इससे जो है वो पास का दिख जाता है, इससे जो है वो दूर का बहुत पास में दिखता है। तो ये आप नीचे का देख सकते हो, अब ये गाड़ी चलाओगे तो ही मैं प्रॉपर तरीके से जो है आप लोग खुद समझ पाओगे और मैं बता पाऊँगा। उसके बाद में यहाँ पर भी LED लैंप्स हैं, और दूर से अगर आप गाड़ी को देखते हो तो ये देख सकते हो ग्लास कितने बाहर है और कितना खूबसूरत लुक जो है वो ये दे रहे हैं। नीचे यहाँ पर हाइलक्स TRD की बैजिंग जो है वो आ गई है, इसको अंदर करने के लिए भी आपको वापस से इसे प्रेस करना पड़ेगा, अगेन बहुत हार्ड है,
और ये ताकत लगा के इसको बंद करना पड़ेगा। तो मतलब आप तेज भी चलाओगे, हवा वगैरह भी आएगी, तो ऐसा नहीं कि हिलेगा या दूजेगा या आपको यहाँ पर शेकी इमेज मिलेगी। तो इसलिए ये टेलीस्कोपिक मिरर जो है वो 1.5 लाख रुपये कॉस्ट करते हैं। दोनों पैर एक साथ आता है, लाइक ये वाला मिरर और वो वाला मिरर। ऐसा नहीं है कि अकेला एक मिरर जो है वो 1.5 लाख रुपये का है। उसके बाद में यहाँ पर ये डोर हैंडल वगैरह स्टॉक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। क्रोम जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लैक कलर के अंदर बी पिलर, ये रेन प्रोटेक्टर जो है वो लगे हुए हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल है। और उसके बाद में आप पीछे आ जाते हैं, तो पीछे अगेन लिफ्ट स्प्रिंग सस्पेंशन ही है। बट अगर इसको हटवा के आपको नॉर्मल स्प्रिंग सस्पेंशन डलवाने हैं, जैसे कि फॉर्चुनर वगैरह में आते हैं, तो वो भी आप जो है वो डलवा सकते हैं। आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। और ये टायर अगेन वही सेम है जैसा आगे वाला है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लुक जो है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो आ रहा है इस टायर के साथ में। उसके बाद में ये जो पीछे कैनोपी लगी हुई है, ये मोटी मोटी कैनोपी ही जो है वो 260,000 270,000 रुपये के आसपास है। इसमें क्या आप लोगों को मिलता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये माउंटर्स जो हैं वो भी लगे हुए हैं, और ये इसका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है। पीछे से गाड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। बीच में आप लोग ये गैप जो है वो देख सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो मेटल यूज़ करा है, ये जो एल्यूमिनियम है, ये ऑलमोस्ट वैसा ही कैपेबल है जितनी ये गाड़ी कैपेबल है, जितना इसके अंदर जो है वो यूज़ करा है। तो वैसा ही मटेरियल के साथ में इस गाड़ी को बनाया गया है। अब पीछे अगर देखेंगे तो पीछे से ये देखो गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी बड़ी लग रही है। अगर इस गाड़ी की प्राइस देखा जाए तो 36 लाख रुपये, और मोटा मोटा ये जो पूरा मॉडिफिकेशन इसके अंदर है वो 14 लाख 15 लाख रुपये के आसपास करा हुआ है। तो अपन मान ले कि 50 लाख रुपये की ये गाड़ी ऑन रोड पड़ते पड़ते लाइक 40 लाख रुपये की ऑन रोड आती है, और 15 लाख रुपये का मॉडिफिकेशन आप मान लो, तो ये गाड़ी आप लोगों को 55 लाख रुपये की पड़ेगी। तो यार 55 लाख रुपये में आप लेते हो टोयोटा की फॉर्चूनर, तो वो अगर आप लेके निकलोगे और इसको लेके निकलोगे ना, तो लोग इसको देखेंगे, फॉर्चुनर को कोई नहीं देखने वाला। और जो ऑफ रोडिंग आप इससे कर पाओगे वो फॉर्चुनर से भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है, टायर इसके अंदर बड़े लग गए हैं, किट जो है वो लगा हुआ है सस्पेंशन के अंदर, तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम हो गई है। और मैंने लग्जरी क्यों बोला था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पीछे ये जो बम्पर है वो भी आप लोग देखते चलो, अंदर अपन चलेंगे अभी। और यहाँ पर ये टोइंग हुक, और नीचे आप लोग देख सकते हैं ये स्टेपनी जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर सस्पेंशन जो है वो येलो कलर के बार्स उसमें लगे हुए, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस जो है वो किए गए हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर अगर आप ऊपर से देखोगे तो स्टॉप माउंट लैंप है। यहाँ पर टोयोटा की बैजिंग, ये पूरे स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं जिनकी ऑनर की गाड़ी है, हाइलक्स लिखा हुआ है, जीआर स्पोर्ट्स, और ये पूरा मेटल में बम्पर दिया हुआ है। इस पर आप लाइक पैर रख के चढ़ भी सकते हैं। अब ये ओपन किस होगा तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जो है वो आप इसका ग्लास ओपन कर सकते हो। मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ। ये भी जो है पार्ट लॉक अनलॉक जो है वो सेंटर लॉकिंग के साथ में हो जाता है। ये कितनी बड़ी सेफ्टी है, ऐसा नहीं है कि इसको आपको अलग से लॉक करना है। उसके बाद में आप इसको जो है वो ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों को देख सकते हैं हाइड्रोलिक जो है वो लगा हुआ है। और ये देखो ना यार, ये है असली लग्जरी यहाँ पर है। मतलब इस सीट को आपको बंद करने के लिए ये कुछ इस टाइप से करना है। थोड़ी सारी चीज़ें जो है वो हार्ड एसयूवी वाली फील जो है वो आप लोगों को देती रहेगी। और आप मतलब इनको बच्चों के लिए मोस्टली आप यूज़ कर सकते हैं। आपके बच्चे यहाँ पर आराम से कंफर्टेबली सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। और उनके लिए विंडोज़ जो हैं वो भी प्रोविज़न दिए गए हैं। अंदर 3 विंडोज़ जो है वो आप लोगों को मिलती है। एक सामने आप देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं, और एक इधर देख रहे हैं। उसके बाद में ये पूरा लेदर मटेरियल जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं काफ़ी रॉक सॉलिड है। मैं ऊपर बैठ के आपको सारी चीज़ें जो है वो बताता हूँ। अंदर आ गया मैं, यहाँ पर ये देखो लेदर फिनिश, ये लाइट जो है वो दी गई है। यहाँ पर ये मिरर जो है वो आप लोगों, सॉरी जो ग्लास है वो दिखते हैं, और ये वर्किंग है। अंदर घसकता हूँ मैं और आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ये देखो ये खुल गया, हवा जो है वो आराम से यहाँ पर आएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये ग्लास है, और इधर भी आप इसको चेंज करवा के ग्लास लगा सकते हो, तो ये कनेक्शन हो जाएगा। इधर से उधर किसी को बात करनी है तो वो आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर ये ग्लास हो, सॉरी जो बॉटल होल्डर हैं वो दिए गए हैं। इधर भी थोड़ा सा स्पेस आप लोगों के लिए मिलता है, फ़ोन वगैरह रखना है तो यहाँ पर अगर आपको कुछ लगाना है आप लगा सकते हो। तो पूरा कंप्लीट जो किट है ये 2.5-3 लाख मतलब 2,60,000 रुपये की कैनोपी है। और ये जो सीट्स हैं ये मतलब पूरा लग्जरी इसको एलिमेंट बोलते हैं, और ये आप लोगों को मिलता है 65,000 रुपये का। तो यार 65,000 रुपये में इतनी लग्जरी सीट जिसमें आप कंफर्ट लेंगे तो आपको बैक सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। और मेरी हाइट है 5'10" और यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जो है बैठ पा रहा हूँ। मतलब लाइक हेडरूम जो है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, पैर मेरे ऐसे लंबे हो रहे हैं। मैं अगर इधर बैठता हूँ तो एक बंदा यहाँ पर और बैठ सकता है। तो काफ़ी अच्छा जो है वो लाइक इसको पूरा बनाया गया है। इसको आप चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं, और ये स्क्रू पे लगाई गई है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ड्रिल वगैरह करा गया है। और अगर आपको जब भी इसको हटाना है तो आप इन सीट्स को जो है वो हटा भी सकते हैं। ये रिमूवेबल सीट्स हैं। और अगर आप चाहें तो एसी का प्रोविज़न भी इसके अंदर करवा सकते हो। 40,000 रुपये के अंदर आप लोग इसके अंदर एसी का ब्लोअर जो है वो उस तरफ से इस तरफ लगवा सकते हो, वो भी इसके अंदर हो जाएगा सक्सेसफुली। तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन के ऑप्शन हैं, और इन सीट्स की वजह से ही, और ये जो पीछे का कैनोपी है इसकी वजह से ही मैंने बताया था कि ये लग्जरी
जो हाइलक्स हैं, मतलब लाइक बोल सकते हैं कि इंडिया की जितनी भी हाइलक्स हैं उन सब में से ये सबसे लग्जरी हाइलक्स है। और जब ये ओपन रहती है तो कुछ इस टाइप का लुक जो है ये प्रोवाइड करती है। अब इसको बंद करते हैं, पहले इसको बंद कर दिया, फिर ऊपर से इसको बंद कर दिया, और बंद करने पे जो थर्ड आती है ना, नेक्स्ट लेवल आती है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ चीज़ें आप लोगों को मिलती है। मोटा मोटा सब चीज़ें बाहर ही थी, मैंने आपको बता दी। और अगेन अनलॉक करा, गेट खोले, अब पीछे जो है वो हैजन सच कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे आपकी नॉर्मल फाइव सीटर हाइलक्स आती है वैसी है, सिर्फ ये लगा हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है ये, मतलब लाइक इसको छोड़ने का मन नहीं करता, इतना सॉफ्ट ये जो है वो लगाया गया है। ओके, ये हटा देते हैं, ये आप देख सकते हैं। और हाँ, ये जिन्होंने मॉडिफाई करी है आज़ाद 4x4, और इनके नंबर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉज करके। और ये गाज़ियाबाद से हैं, और यहाँ पर इनका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। थार, स्कॉर्पियो, जितनी भी 4x4 है, आइसुजू, हाइलक्स, फॉर्चुनर, सब ये मॉडिफाई करते हैं। और कैनोपी वगैरह लगाना है, लिफ्ट किट लगाना है, जितने टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं ना, सब इनके पास में अवेलेबल हैं। आप लोग इनसे बात करके सारी चीज़ें जान सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास में ये रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं, और ये एक ट्रांसमिशन हम्प आप लोगों को मिलता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट फिर भी तीन लोग तो यार इसमें आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये मैगजीन होल्डर है, और आगे जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें इसके अंदर मिलती है। ओके, अभी यहाँ से देखते हैं, और जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर आप लोगों को दिखेंगे थोड़े बहुत, कि ये लाइट्स के स्विचेस जो हैं वो दिए गए हैं। आपको चेंज वगैरह करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वही सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिलते हैं। आप पूरा कंप्लीट कस्टमाइज जो है वो करा हुआ है। नीचे ये पैडल है, इधर ये एडजस्टेबल सीट है, इलेक्ट्रॉनिकली सीट आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अंदर चल के जो है वो आपको बताता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें अंदर चलने के लिए आपके पास में ये ऑप्शन है। और इस पर चढ़ के ऊपर आना ही अपने आप में एक मज़ा जो है वो देता है। गेट को बंद कर लेते हैं, अंदर देखो केबिन कितना साइलेंट है, कितनी बढ़िया जो है वो वाइब ये दे रहा है। डेफिनेटली क्वालिटी कहीं कुछ जो है वो टोयोटा ने कॉम्प्रोमाइज़ कर रखी है। जैसे कि ये है, तो ये बहुत ही फ्लिंजी सा है, मतलब ये एकदम सॉफ्ट ही क्लोज नहीं होता है। ये जो है वो बहुत ही सॉफ्ट ऐसे दिए हुए हैं, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो है वो लाइट आपको नहीं मिलती है। तो यार वही चीज़ें हैं कि कॉस्ट कटिंग जो है वो टोयोटा अभी भी बहुत ही ज़्यादा करती आ रही है। यहाँ पर ये सॉफ्ट कुशन जो है वो लगे हुए हैं, पीछे ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैंडल हैं, इनको पकड़ के आप ऊपर चढ़ सकते हो। बाकी सभी चीज़ें सेम हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। ओके, और मैं पावर ऑन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, ये है आपका आरपीएम मीटर, इधर स्पीडोमीटर, इधर बीच में छोटी सी एमआईडी जो है वो मिलती है। हाइलक्स जो है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इधर आपके सारे वाइपर वॉशर के कंट्रोल, इधर हेडलाइट के कंट्रोल्स, इधर आपके सारे मेन्यू के कंट्रोल्स, इधर वॉल्यूम वगैरह जो है वो दिए गए, इधर क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेस दिए गए हैं, इधर एसी है, और ये आपकी सेंटर कंसोल में जो स्क्रीन मिलती है ये एंड्रॉयड और एप्पल कार पे सपोर्ट करती है। वायरलेस नहीं है, वायर्ड जो है वो आप लोगों को लगाना पड़ेगा। बाकी ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मैनुअल के साथ में भी ऑप्शन आता है, 4x4 सारे वेरिएंट में आते हैं। स्टैंडर्ड आपको आता है 4x4 मैनुअल, फिर उसके बाद में हाई आता है मैनुअल 4x4, फिर आता है हाई ऑटोमेटिक 4x4। तो तीन वेरिएंट है 30 लाख रुपये से 36 लाख रुपये की प्राइस पे शोरूम पे ही अवेलेबल। इको और पावर दो मोड आप लोगों को मिल जाते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ 4x4, ये अपना जो डिफरेंशियल लॉक वगैरह हैं वो सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट ये हैंड ब्रेक जो है वो मैनुअल यहाँ पर दिया गया है। सीट की क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, बट इसके अंदर आप लोगों को जैसे फॉर्च्यूनर में आती है लाइक वेंटिलेटेड सीट, वो ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस चीज़ की कमी जो है वो आपको फील होगी। तो आप लोगों ने पूरी टोयोटा हाइलक्स जो है वो देख ली है। इसको बंद कर देता हूँ, लास्ट बार एक बार फिर से बाहर से आपको दिखा देता हूँ। और कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ। सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ ली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोटा मोटा आप लोग 36 लाख रुपए में इसको परचेज़ करो, 14-15 लाख रुपये की मॉडिफिकेशन करवाओ, यार 50 लाख रुपये में जो गाड़ी बन के सामने आएगी ना, उसका कोई जवाब नहीं होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी और कोई मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी आप लोग देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, और कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा मुझे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल देन गाइस, बाय बाय, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, लाइक ज़रूर से बनता है यार।